नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सांसों पर धुएं और जहरीली हवा का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में स्कूल बंद करने के साथ हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई, तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर आपात बैठक बुलाई। दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत और पलवल में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है। इस बीच दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत भी तेज हो गई। दिल्ली में प्रदूषण के लिए जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगा दिया कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में वाहन जनित प्रदूषण हवा की गुणवत्ता बिगाड़ने की प्रमुख वजह है। फिलहाल वजह जो भी हो, इतना तो तय है कि इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आम आदमी पिस रहा है और उसका इस जहरीली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लगता यही है कि ऐसी स्थिति से निपटने में न तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली सरकार के पास कोई समाधान। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञ पैनल पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए ने 5 नवंबर तक दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मंगलवार तक सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। वहीं सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव कर दिया गया है। पूरी सर्दी पटाखों पर पाबंदी रहेगी। शुक्रवार को हुई ईपीसीए की बैठक के बाद चेयरमैन भूरेलाल ने कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण के साथ पटाखों और पराली के धुएं ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा सुधारने को पंजाब हरियाणा सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ईपीसीए ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रदूषण रोकने के कदम उठाने के निर्देश दिए। सोमवार को हालात की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य आपातकाल पर फैसला होगा। प्रदूषण कम न होने पर इसे जारी रखा जा सकता है। पिछले 4-5 दिनों से जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है और पिछले 15 दिनों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अनेक इलाकों में है वो ऑलमोस्ट डेंजरस लेवल में था, 300 से ऊपर था। बहुत सारे शहरों को, बाकी जो यूरोप के शहर होते हैं या कैलिफोर्निया अमेरिकी शहर होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा होता है। तो स्थिति बहुत ही भयावह थी, ऑलमोस्ट गैस चेंबर बना हुआ है दिल्ली। एयर पोल्यूशन लेवल जो है दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम AQI वेरी सीवियर कैटेगरी में है और इसमें जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनपे ज्यादा असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा पहली चीज है कि दे शुड ट्राई एंड अवॉइड एक्सपोजर, तो इसलिए घर पे रहें, बाहर इतना ना जाएं, स्पेशली सुबह और शाम को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है। कुछ हद तक उनको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर सिम्टम्स हो, तकलीफ हो, तो अपने डॉक्टर से संपर्क। इस बीच शुक्रवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर नोएडा रहा। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 499 रहा। गाजियाबाद में AQI 496 दर्ज किया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में वायु की गुणवत्ता 495, फरीदाबाद में 479 और गुरुग्राम में AQI 469 रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली में AQI 484 रहा, जो एक दिन पहले 410 था। एयर पॉल्यूशन की वजह से नॉर्मली घूम नहीं सकते, मॉर्निंग वॉक नहीं हो रही है। पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आज में भी जलन रहती है, इसलिए सेफ्टी के लिए हमने मास्क लगाया हुआ है कि पॉल्यूशन हमारे को इफेक्ट ना करे ज्यादा हमारी बॉडी पे। देखिए, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, दिल्ली में जो एयर है, हवा है, वो इतनी पॉल्यूटेड हो गई, इतनी जहरीली हो गई है, जिस वजह से हमें मास्क लगाने पड़ रहे हैं, आंखों में जलन हो रहे हैं, जिस वजह से हमें गॉगल्स वगैरह यूज करने पड़ रहे हैं। भाई, ये बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से देखते हुए ये गाड़ी लगाई गई है। दिल्ली में काफी पोल्यूशन है, तो इस वजह से ये छिड़काव किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन की मात्रा और कम हो। यूपी के कई हिस्सों में भी हवा जहरीली हो गई है। नोएडा और गाजियाबाद के अलावा यूपी के कई दूसरे शहरों में भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। हापुड़ में AQI 472 रहा, जबकि मेरठ में 410, वाराणसी में 409, कानपुर में 403, लखनऊ में 382 AQI रहा। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार देर शाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि जहां भी निर्माण कार्य किया जा रहा है उसे कवर किया जाए। इसके अलावा जिन जगहों पर धूल हो
वहां पानी का छिड़काव किया जाए, कूड़े के सही निस्तांतरण का भी आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि किसान प्रदेश में कहीं भी पराली न जलाए। सीएम योगी ने इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने की घटनाओं की जानकारी देने वाले को इनाम के रूप में नकदी रकम देने की घोषणा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को दूसरे विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। हालांकि इसके बावजूद पराली जलने की घटनाएं रुक नहीं रही है। पिछले 24 घंटों में पंजाब और हरियाणा में पराली के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इनकी संख्या करीब 3178 रही है। सेंटर ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के मुताबिक बृहस्पतिवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं का हिस्सा 44% था। इस बीच पराली जलाने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब सरकार से पूछा कि आप बताएं कब पराली जलाना बंद करेंगे और केंद्र सरकार कब तक नई तकनीक लाकर प्रदूषण से निजात दिलाएगी, तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर सियासत करने का आरोप लगाया और कहा कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में वाहन जनित प्रदूषण हवा की गुणवत्ता बिगाड़ने की प्रमुख वजह है। दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं और खास करके पंजाब और हरियाणा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में इन राज्यों में पराली जलाई जाती है और अक्टूबर और नवंबर के महीने में उन राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाता है और दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये बड़ा स्पष्ट सा मसला है कि जुल्म दिल्ली वालों पर हो रहा है और जुल्म कर रहे हैं हरियाणा और पंजाब की सरकारें। दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा देता है ये बातें करने में? दिल्ली को उन्होंने गैस का चैम्बर बना दिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो समझते हैं दिल्ली की जनता वो है? बार बार कहते हैं विपक्ष दिल्ली की जनता को कह रहा है, हम केजरीवाल साहब को कह रहे हैं। आपको 5 साल के लिए चुना था, मजाक वो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों विज्ञापन दिए उन्होंने, दिल्ली में 25% पोल्यूशन कम हुआ। आज ये हालत हो गया कि 50 लाख मास्क बांटने पड़ रहे हैं। जो सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे बिल्कुल साफ तौर पर ये लगता है कि दोनों अपने अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। और आम व्यक्ति दिल्ली का जो प्रदूषण से संतप्त है, परेशान है, ये उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 4 से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है, ताकि प्रदूषण ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने से लोगों की सेहत ठीक रहे। वैसे देखा जाए तो जब तक आम आदमी प्रदूषण के खिलाफ अभियान से नहीं जुड़ेगा, जब तक लोगों के बीच प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता नहीं फैलाई जाएगी, तब तक सरकारों और अदालतों की कोशिशें शायद ही कामयाब हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट। यार, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सांसों पर धुएं और जहरीली हवा का कहर जारी है। स्थिति लगातार बद से बदहाल होती जा रही है, लेकिन इससे निपटने के उपायों के अलावा राजनीति ज्यादा हावी होती नजर आ रही है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर कब तक आम लोगों का दम जू ही घुटता रहेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर कपूर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर प्रियंका मलिक जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, जबकि डॉक्टर डीके शर्मा को हमने सीनियर सिटीजन के तौर पर आमंत्रित किया है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों में हवा में प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ से भी 2 खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर राजेश प्रजापति हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जबकि वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत विजय उपाध्याय जी आपसे ही करना चाहूंगा। स्वास्थ्य आपातकाल, यही दिन देखना बाकी रह गया था दिल्ली को? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके जो कारण है उस पर अगर हम देखें, अभी आपकी रिपोर्ट जो आपने पेश की थी, उस रिपोर्ट का जो अंतिम हिस्सा था, एकदम आखिरी लाइन,
वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार, एनजीटी, अदालतें कुछ भी फैसला देंगी उसका कोई महत्व नहीं है। हर आदमी को पर्यावरण के दृष्टि से जागरूक करने के लिए पिछले 25-30 सालों से तो लगातार कोशिश की जा रही है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर्स को बताया जाता है, टेलीविजन पे विज्ञापन आते हैं, रेडियो पे स्लोगन्स आते हैं, इसके बावजूद लोग सुधरना नहीं चाह रहे हैं। तो जब आप सुधरेंगे नहीं, अपने पर्यावरण के प्रति आप गंभीर नहीं होंगे, तो कोई भी सरकार, कोई भी अदालत, कोई भी एनजीटी इसको दुरुस्त नहीं कर सकती है। अपने वातावरण को आपको स्वयं ठीक करना पड़ेगा। किसान अगर ये कहता है कि पराली जलाना हमारा हक है, हम तो पराली जलाएंगे, तो किसान का बच्चा जो शहर में पढ़ रहा है उसको बीमारी होगी, परेशान होगा वो, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी चीज का इस्तेमाल करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, चाहे वो जनरेटर के द्वारा करता हो, चाहे वो कोई ऐसी मशीन से जिसके द्वारा धुआं ज्यादा निकलता हो, उसके मानक ठीक नहीं रखता है, तो वो निश्चित तौर पे अपने परिवार, खुद अपने और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए वो एक जहरीला वातावरण बना रहा है। इसमें निश्चित तौर पे सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे, अगर लोग तय नहीं करेंगे कि हमें गाड़ी का इस्तेमाल कम करना होगा, मैं तो बहुत खुश था कि अभी वाहन में मंदी थी, उससे मैं बहुत खुश था कि मंदी है, अच्छा है, कम वाहन चलेंगे, लेकिन फिर से गाड़ियां खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा निजी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की मानसिकता में अपने आप को बदलते जा रहे हैं। पराली जलाने वाले किसानों का अपना लॉजिक है कि हम तो यार जलाएंगे ही जलाएंगे, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो फर्क तो पड़ेगा पूरे समाज को, ऐसा नहीं है कि नहीं फर्क पड़ेगा। और इसको सुधारने के लिए कोई मसीहा की जरूरत है या लोग स्वयं से सुधरेंगे? आप देखिए, हम डेंगू से लड़ेंगे, हम स्वाइन फ्लू से लड़ेंगे, और साथ में हम उससे ज्यादा खतरनाक पर्यावरण प्रदूषण से लड़ेंगे। और ये प्रदूषण इतना खतरनाक है कि चलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, और हम गैस चेंबर में हैं, चाहे पूरा उत्तर भारत, पूरा कोई एक नहीं, पूरा उत्तर भारत जो है, कोई एक शहर की बात नहीं, किसी एक गांव की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम है। जी, तो ये जो दिक्कत है, इस पे बहुत गंभीरता से लोग स्वयं विचार करें। हर काम के लिए अगर हम सरकार से उम्मीद करेंगे तो सरकार टैक्स लगा देगी। जैसे नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि बगैर जन सहयोग के इस बड़ी समस्या से निजात नहीं पाई जा सकती, लेकिन सिर्फ जनता के सिर पर ठीकरा फोड़ देने भर से भी काम चलेगा क्या? क्या सरकारों को जो जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए, क्या उनका निर्वहन ठीक ढंग से होता है? डॉक्टर प्रियंका मलिक जी, देखिए, मैं विजय उपाध्याय जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं बहुत हद तक इस बात को भी मानती हूँ कि केवल और केवल लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ देना ये कहीं का सलूशन नहीं है। जो हमारी सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे जो है, हम लोग बड़ी सारी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, इस साल जो है लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस बार तो यूपी गवर्नमेंट जो है ने जो है रिकॉर्ड भी बनाया है कि जो है हम 2-3 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसका मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनका इम्पैक्ट कहाँ है। अगर हम ये चीज देखें कि बहुत हो क्या रहा है कि लोग जो है पेड़ लगाते हैं और वो कागजों पे चढ़ जाता है, लेकिन वो पेड़ एक्चुअली जो है वो पल पा रहे हैं। पेड़ लगाना और ये पराली का धुआं और एयर पोल्यूशन, दोनों में बहुत अंतर है। सुन लीजिए विजय जी, आऊंगा मैं, उन्हें भी सुन लीजिए, लगा ले, लेकिन जो ये पराली का धुआं है और जो ये गाड़ियों का धुआं है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन पेड़ ही तो उसको नहीं, उसको सोक तो पेड़ ही करेंगे ना, उस धुएं को पेड़ ही तो सोक करेंगे। प्रॉब्लम यही तो आ रही है, टेक्निकल गड़बड़ी यही है। ये आप जरा चेक कर लें, पेड़ उसको सोखेगा नहीं, धुएं को पेड़ सोखता नहीं है। ये दीपावली के समय विंड की जो स्पीड है इतनी डेड हो जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है इस समय, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो अंबाला में जली हुई पराली है उसका धुआं जब चलता है तो कितना स्लो मोशन से वो फैलता है। नहीं तो विजय उपाध्याय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का जिम्मेदार सिर्फ पराली को माना जा सकता है? क्या अन्य कारण नहीं है जिन पर अगर लगाम कसी जाए तो कम से कम थोड़ी स्थिति हो और गाड़ियां? मैं दोबारा आऊंगा, सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए कि उनको क्या लगता है, डॉक्टर सीमा मलिक, प्रियंका मलिक को, कि आखिर क्या वजह है और क्यों इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? देखिए, वाहन चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो, जाम लगता है 40 किलोमीटर अगर प्रति घंटा की स्पीड से अगर लो पे आपकी जो गाड़ियां रहती हैं, तो आपको पता है कि वो 10 गुना जो है पोल्यूशन का जो है वो और ज्यादा फेंकती हैं। तो पराली केवल पराली है, इसके लिए भी तो गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा ना।
गवर्नमेंट जो है वो किसान है उस पराली का करे क्या? तो गवर्नमेंट कैन जो है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए, या तो उस पराली को जो है वो खरीद सकती है या फिर पराली उस पराली का जो है कुछ भी उपयोग में लाए ताकि किसान अपनी अगली फसल के लिए अपने खेत के को तैयार कर सके। तो अगर आप किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसान उस पराली का करे क्या? आपने देखा है हमारे यहाँ अनाज सड़ जाते हैं तो फिर पराली पराली का क्या करेगा किसान? किसान अपने खेत में तो रखेगा नहीं, उसको उसको पता है कि वो सॉयल जो है वो खराब हो जाएगी उसकी। तो केवल और केवल जनमानस, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि जनमानस को अवेयर होना पड़ेगा, हर किसान को इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस चीज से पीछे, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे बिल्कुल नहीं हट सकती। सवाल यही है कि ये जो सहयोग की बात हो रही है कि बगैर जन सहयोग के इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें जो भूमिका होगी आगे झंडा लेकर चलना होगा वो हमारी सरकारों को ही बिल्कुल चलना होगा, अहम भूमिका हमारी सरकार को ही निभानी होगी। शेखर कपूर साहब, ये सरकारों की अनदेखी कितनी बड़ी नाकामी है जो स्कूली बच्चों बुजुर्गों तक को भारी पड़ रही है। स्वास्थ्य आपातकाल अपने आप में ये शब्द मैं कभी 3 दशक के बाद इस देश में सुनाई पड़ रहा हूं। यही शब्द आज से करीब करीब 30 साल पहले 2 और 3 दिसंबर को भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान सामने आया था। आपकी जानकारी में आपके स्टूडियो में शेखर कपूर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने उस गैस ट्रेजेडी की रिपोर्टिंग की है, और उस वक्त मैंने इस बात को देखा है कि जब शीत ऋतु का समय आता है, जब ठंड का मौसम पड़ता है, उसी समय आपके समय आप ये देखिए कि हमारे पूरे देश के अंदर जो है शादियों का मौसम भी आता है जी, उसी के दौरान जो है क्या नाम है हमारी दीपावली का मौसम आता है। तो मेरा आपसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य आपातकाल की जब बात आती है तो क्या स्वास्थ्य आपातकाल कल जब केंद्र की तरफ से घोषित किया गया दिल्ली एनसीआर में, क्या आपने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को रोक दिया? भारी वाहनों को आपने वहां पे आपने जाम लगा दिया क्या? क्या आपने डॉक्टरों की टीम को अस्पतालों में तेजी से नियुक्त कर दिया क्या? क्या आपने सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य आपातकाल के मद्देनजर नालियों शहरों सड़कों को जो है साफ करने के एनसीआर के अंदर निर्देश दिए गए क्या? क्या स्वास्थ्य आपातकाल के तहत बड़ी बड़ी भव्य जो इमारतें हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर उनके ऊपर से जमीन की तरफ जो है पानी बरसाने के कोई निर्देश दिए गए क्या? बिल्कुल नहीं। एक नाम मात्र का स्वास्थ्य आपातकाल हम लोगों ने अखबारों में सुबह सुबह पढ़ा है, रात में हम लोगों ने उन खबरों को रिलीज भी किया है। तो स्वास्थ्य आपातकाल का जो दायरा है बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर अगर आप इस दायरे को अगर आप लंबे समय तक देखें तो ठंड के दिनों में हर साल जो है ये मादा हमारे देश के अंदर और दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा बनता है। सवाल ये कि जागते क्यों नहीं जब पता है कि हर बार ये स्थिति होती है। वही मैं कह रहा हूं कि जब आपको हमारी दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को या विभिन्न राज्य सरकारों को ये साफ तौर पे मालूम है कि दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना आ रहा है, इसलिए ठंड का टाइम होगा, इसी महीने के अंदर जो है दीपावली का मौसम होगा, इसी महीने में शादियों का मौसम भी तेजी से पकड़ेगा, तो क्यों नहीं पहले से प्रतिबंधात्मक कदमों को जो है केंद्र और राज्य सरकारों ने लागू किया। सबसे बड़ी बात यह है, आप ठीक है आप जनमानस से सहयोग की अपेक्षा करें, जनमानस के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन हमारे देश के अंदर ये एक निश्चित भारत सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों की आबादी है, लाखों लोग कानून को नहीं मानते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंधात्मक आदेशों कानून का जो है डंडा निश्चित रूप से हावी होना चाहिए। अब आप जैसे उदाहरण के तौर पर बात कर ले, ठंड के दिनों के अंदर क्या पर्यावरण विभाग पहले से चेत नहीं सकता था? हमारा प्रदूषण विभाग देश के अंदर, केंद्र के अंदर भी और अधिकांश राज्यों की राजधानियों में है और हर जिले के अंदर प्रदूषण विभाग है। क्या प्रदूषण विभाग ने इस मुद्दे को जो है जांचने परखने की और आगाह करने की लोगों को कोशिश नहीं की? जबकि हर साल हम इस बात को देखते हैं। अब आप पराली की बात करते हैं, आप पराली क्या हमारे देश में, ठीक है पराली के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ये बात सही है, लेकिन क्या पराली हमारे देश में 2 साल से 3 साल से या 5 साल से चलाई जा रही है? ये पिछले कई दशकों से जब से हमारा किसान जो है खेती करता है, हर साल वो अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर अपनी पराली को जलाकर एक नई फसल की शुरुआत करता है। चूंकि
क्योंकि मामला जो है इस समय शीत ऋतु का है, जिसको मैंने 30 साल पहले मैंने अभी जिक्र किया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई तो उस समय मैंने देखा है कि 10 फीट ऊंचाई के ऊपर जो है शीत ऋतु जो है क्या नाम है आपकी परत थी, हवा ऊपर नहीं जाती है और ऊपर पूरी की पूरी परत बन जाती है, तो उस वक्त वहां पर गैस ट्रेजेडी भी हुई थी तो उसके अंदर गैस भी जम गई थी। इसी प्रकार से एक गैस के तरह ही पूरी तरह से ये घातक गैसें जो है हमारे दिल्ली एनसीआर को प्रभावित कर रही है। सर हालत तो ये है कि अब सांस लेना दूभर हो गया है। अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो सिर्फ इसलिए स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हवा का स्तर इतना खराब हो चुका है जो उनके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। मैं डॉक्टर डी के शर्मा साहब आपके पास आऊंगा। एक समय नारे चलते थे दिल्ली चलो, आज नौबत ये आ गई कि दिल्ली से चलो, दिल्ली से चलो। कौन जिम्मेदार आपको लगता है इसके पीछे? जितनी बहस अभी हुई चाहे विजय उपाध्याय जी का हो, चाहे प्रियंका मैडम का हो, चाहे शेखर कपूर जी ने जो कहा, मेन जो ये पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन है ये हमारा जी। इसमें जो हम एक्चुअली से जो कारण है, धूल धक्कड़ है, चाहे पराली की बात हम कर रहे हैं, जो मान लिया गाड़ी के धुआं से होता है, मुख्य रूप से जो है गाड़ी का धुआं जो अनवर्ड कार्बन है, जो कार्बन जल नहीं पाते हैं, एक्चुअली वो उनका मेन कंस्टिट्यूएंट है। दूसरी बात जो धूल है ये एक्चुअली जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलते हैं उससे आता है, जो डस्ट पार्टिकल फैले हुए हैं। तीसरी चीज जो पटाखे की बात है उससे फिर धुआं निकलता है। मोटे तौर पर जो भी ये एक्चुअली जो एयर पॉल्यूशन है उसके जो मेन सोर्स है मेजर, उसमें नाइट्रोजन सल्फर का ऑक्साइड्स होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है, और उसके चलते जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें क्या है कि एक्चुअली हम उसके साथ इम्प्योरिटी इम्प्योर एयर ले रहे हैं। हमारे बॉडी में क्या हेमोग्लोबिन के प्यूरिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए जी। हम ऑक्सीजन इम्प्योर ले रहे हैं उसके साथ ये जो हमारे टॉक्सिक गैसेस जा रही हैं जी। बट नेचुरल है, ओवरऑल बॉडी के हेल्थ को इफेक्ट करेगा। जिस पराली की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, इसमें पब्लिक कंसनेस भी चाहिए और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए और गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करें। हमें ये नहीं समझ में आता है कि हर साल अक्टूबर में जो पराली की बात करें हरियाणा और पंजाब में होता है जी। आप देखते हो खरीफ फसल जब खत्म होती है वो कटाई फसल के बाद जब रबी की तैयारी के लिए करते हैं वो जला देते हैं, वो कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो गवर्नमेंट के लेवल में चाहिए कि उसको लेके उसको कुछ एक्चुअली उसको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए या कुछ सड़क के उससे भी पहले जमाने में कागज वगैरह बनते थे, ये सब होते थे, तो बनाने का कोई स्कोप बनाया जाए ताकि उसको हम एक्चुअली उसका इल इफेक्ट खत्म हो जाए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से हम कहे अभी मतलब यहाँ पे दिल्ली में ये भाग जाना कोई सोल्यूशन तो नहीं है। हम भाग जाए दिल्ली छोड़ दें कहीं चले जाए हर जगह, ये प्रॉब्लम बहुत जगह हुआ है जी। अभी लंदन में देखा एक्चुअली लो इमिशन जोन बना दिया गया इस तरह की समस्याओं के लिए। चाइना में देखिए इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं, शेंजेन में 100% इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। तो ये सिर्फ कह देने से भर नहीं है, जो एक्चुअली जो जिस पेट्रोल डीजल की बात करते हैं उसमें क्वालिटी है, पेट्रोल की क्वालिटी ज्यादा होगी डीजल तुलना में, उसका साइंटिफिक अपना पैरामीटर बना हुआ है। तो ये जो धुआं जलता है डीजल हो चाहे जो फिर जो की एयर में हम फोन में जो पेट्रोल जलता है सबसे प्योर फॉर्म का होता है फ्यूल, उसमें सब ये कार्बन के ही हाइड्रोकार्बन है। तो वो जो अनवर्ड कार्बन धुए फॉर्म आता है, हमें सांस के फॉर्म लेना क्या ऑक्सीजन लेना है, इसके चलते ये सारी गैस जाती है। आप कहते हैं सर क्या फेफड़े का प्रॉब्लम होता है, आंख में इरिटेशन होता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक हेल्थ के लिए कंसियसनेस के लिए करना होगा कि कैसे हम बचें ये, और ये जो एक्चुअली पब्लिक एक्चुअली हेल्थ इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं, बट नेचुरल इसी वातावरण में जीना है जी, कहां भाग के जाएंगे। तो कहीं हम जाएंगे तो एयर में ही सांस तो लेंगे ना, यानी उपाय कम से कम तलाशने होंगे। बिल्कुल चर्चा होती है कि क्या हम उन उपायों की तरफ आगे बढ़े हैं। मैं डॉक्टर राजेश प्रजापति साहब आपके पास आऊंगा। सबसे अंत में आपके पास आने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि जो स्वास्थ्य आपातकाल को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये बताएं कि स्वास्थ्य आपातकाल से क्या आशय लगाया जाए, ये कितनी खराब स्थिति होती है जब इस तरह का आदेश जारी करना पड़ता है। जी देखिए, स्वास्थ्य आपातकाल से जनता को ये बात समझनी चाहिए जी कि आपका स्वास्थ्य रिस्क पे है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है जी, जी। जैसे जीवन का खतरा, जब घर के बाहर की स्थिति अच्छी नहीं हो, लोग दंगा कर रहे हो, मारपीट रहे हो, अराजकता की स्थिति हो, तो आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता जी। बिल्कुल वैसे ही स्वास्थ्य आपातकाल का मतलब कि साहब अगर आप घर से बाहर निकले, आप ऐसी जगह पर गए जहां पर पर्यावरण ऐसा है, वातावरण ऐसा है, हवा इतनी प्रदूषित है, तो आपके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो
जिसे बोलते हैं इररिवर्सिबल हैं, जो मतलब एक बार हो गए तो आप दोबारा उसको ठीक नहीं कर सकते जी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हवा में जो SPM 2.5 है जी, मतलब ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल या ऐसे धूल के कण या ऐसे कण जिनका साइज 2.5 मिलीमीटर से कम है या 2.5 मिलीमीटर तक है, वो हमारे फेफड़े के जो आखिरी हिस्से तक हैं वहां तक पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के बाद वो वहां पे जकड़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं, कहने का डिपॉजिट हो जाते हैं। कहने का मतलब एक बार ही वहां गए तो देयर इज नो यू टर्न, वापस नहीं आएंगे। जी जी। और जितनी देर तक आपके फेफड़े के स्पंज के जैसे होते हैं, एक स्पंज को अगर आप एक गंदे पानी में डाल दें निकालेंगे तो गंदे पानी को सोख लेगा जी, ठीक है, आपके फेफड़े भी वैसे ही है। तो ये जो हवा है जिसमें SPM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन परऑक्साइड, ओजोन, ये जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं स्मॉग के, मतलब स्मोक प्लस फॉग के, ये एक बार आपके लंग्स में अगर पहुंचे तो ये उसमें से वापस नहीं आने वाले हैं। भले ही उनका असर आपको त्वरित रूप में दिखाई दे सर्दी खांसी जुखाम के रूप में, या फिर आपको 10 साल बाद समझ में आए जब COPD हो जाए, क्रॉनिक अस्थमा हो जाए, ठीक है। तो ये वाकई स्वास्थ्य आपातकाल है। और इस समय दिल्ली NCR में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तमाम जगहों पर 300 से पार है, कई जगहों पर 500 के पार भी ये आंकड़ा चला गया है। इन परिस्थितियों में किस तरह की बीमारी का खतरा रहता है, खासतौर पर अगर बच्चों की बात की जाए या फिर बुजुर्गों की बात करें? डॉक्टर साहब देखिए, बच्चों के साथ जो समस्या है वो विकट इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चों की जो सांस की नली होती है, जिसे हम एयरवेज बोलते हैं, उनका डायमीटर बहुत कम होता है, और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, इनकी वजह से इरिटेशन होता है, इरिटेशन बोले तो जलन होती है, चाहे तो आंखों में हो या जो हमारा एयरवेज है उसमें, और उसकी वजह से जो हमारा एयरवेज होता है उसका छेद और सकरा हो जाता है। जी जी। बच्चों का डायमीटर पहले से ही कम है और सकरा हो गया तो हवा जानी बंद हो गई, बच्चों को अस्थमा का अटैक पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चे जो एलर्जिक हैं उनके लिए तो ये जानलेवा साबित हो रहा है। और जो वृद्ध पुरुष हैं जिनके लंग के फंक्शन डिटेरियोरेट हो चुके हैं, मतलब जिनका लंग पहले से काम नहीं कर रहा, उनके लिए भी, और हम लोग जो इस एज ग्रुप में हैं 18 से 50 साल की उम्र में, अगर हम लोग ज्यादातर इस हवा में रहते हैं, एक स्टडी हुई थी उसके मुताबिक कि अगर आप इस प्रकार के पोल्यूटेंट में रहते हैं जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब है, तो आप लगभग 9 सिगरेट के बराबर का धुआं प्रतिदिन ले रहे हैं बिना सिगरेट पिए। चलिए, यानी कि स्थिति बेहद गंभीर है और जब तक इस पर उपाय नहीं किए जाते हैं, लोगों को भी, और इससे कोई बच नहीं सकता जी, क्योंकि आदमी को सांस तो लेना ही पड़ेगा चाहे। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर है कि वातावरण अगर स्वच्छ नहीं होगा तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे इन परिस्थितियों में जहां पर हवा का स्तर इस कदर खराब हो जाए। हम बात कर रहे हैं हवा में घुलते जहर की। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक सांसों पर धुएं और जहरीली हवा का कहर लोगों पर देखने को मिल रहा है। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय उपाध्याय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात करना चाह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर भी उठा है कि क्या सिर्फ पराली पर ठीकरा फोड़कर केजरीवाल सरकार अपना दामन बचाने का प्रयास कर रही है, और ये मुमकिन है कि वो दामन बचाने में कामयाब होंगे? देखिए अच्छा जी, हम लोग अगर समग्रता में बात करें तो तीन मुख्य कारण हैं हमारे वायु प्रदूषण के। सबसे पहला इंडस्ट्रियल, यानी जो उद्योगों के द्वारा धुआं निकलता है चिमनी के माध्यम से जी। दूसरा, जो हम लोग वाहन चलाते हैं, घरों में गैस जलाते हैं या कूड़ा जलाते हैं, या हमारे गरीब लोग जो सड़क के किनारे सर्दियों में तपता आग सेकते हैं कूड़ा करकट टायर जलाकर, वो है। और एक वो है जो एग्रीकल्चर से धुआं निकल रहा है जी। इसमें सबसे यंग अगर कोई पोल्यूशन करने वाला कारक है तो वो एग्रीकल्चर से निकलने वाला धुआं है, यानी पराली है। पराली जलाने की परंपरा नई है, पुरानी नहीं है, और ये तब से शुरू हुई है जब से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने गेहूं के अलावा धान की भी खेती करने की परंपरा शुरू कर दी, और उन्होंने दो फसल लेना शुरू कर दिया। पहले धान की खेती पंजाब और हरियाणा में नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, तो वहां पराली जलता भी नहीं था। लेकिन जब ज्यादा बड़े पैमाने पर धान की खेती होने लगी तो धान का खेत खाली करने की जल्दबाजी होती है और तुरंत उनको गेहूं की बुआई करनी है, इसलिए धान का जो
पुआल होता है उसको तुरंत खेतों में ही फूंक देते हैं और वो पराली का धुआं होता है। आप इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? किसी फैक्ट्री की चिमनी अगर गंदा धुआं दे रही है, मानकों के खिलाफ है, तो एनजीटी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों का अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो उसमें एक सेंसर लगाकर एक स्मोक कंट्रोल करके उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। आप गाड़ियों को भी रोक सकते हैं जो सड़क पे चलती हैं, आप एक आर्डिमेंट लागू कर दें या एक आपातकाल के दौरान कह दें कि एक हफ्ते तक कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं चलाएगा, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चल सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहे पॉल्यूशन को कैसे? इतने बड़े इलाके में है और ये डेमोक्रेसी है, किसान चैलेंज करके पराली जला रहे हैं और किसानों को किसान सम्मान निधि 6000 रुपए सालाना ये सरकार दे रही केंद्र की, वो 6000 रुपए से पराली को क्यों नहीं उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करते इकट्ठा करके? लेकिन किसान ब्लैकमेल करने पे आमादा है, वो ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करके पानी को खराब कर रहा है, ज्यादा इंसेक्टिसाइड यूज करके पानी को खराब कर रहा है, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करके जमीन के पानी को खराब कर रहा है और साथ में पराली जला रहा है जी। और वो किसान है, सबसे इनोसेंट है, मैं किसान विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसानों के पास जैविक खेती का एक बड़ा विकल्प मौजूद है जो वो करना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सरकार सारा काम उनका कर दे और हम लोग जो न खेती करते हैं और ना हम उन समस्याओं से सीधे रूबरू हैं, वो जब बात करते हैं तो उनको बुरा भी लगता है जी। लेकिन अगर आपको इन समस्याओं यानी आपने यही कहा कि किसानों को भी कम से कम थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और आपने जिस तरह से कहा कि सरकारों को एहतियात के तौर पर जैसे आपने ऑड इवन का भी जिक्र किया विजय उपाध्याय जी, क्या ये मुमकिन है दिल्ली जैसी स्टेट के लिए जहां पर इतनी बड़ी आबादी हर दिन सफर करती है, क्या आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा वहां पर इतनी बेहतर है कि लोग अपने वाहनों को घर पर खड़ा करके उनका इस्तेमाल करें, अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच पाए? मैं वही बात कहने जा रहा था भाई साहब। देखिए, इसमें एक बहुत ही रोचक बात है, अगले 10 साल में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही आना होगा, नहीं तो आप सड़क पे चल नहीं पाएंगे और जी भी नहीं पाएंगे जी। बीजिंग ने अपना एयर पोल्यूशन कंट्रोल इसलिए कर लिया क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था, एग्रीकल्चर पोल्यूशन नहीं था जी। दोनों लोगों को खांसी आ रही है, यहाँ डॉक्टर साहब को भी और मुझे भी, लखनऊ में भी बहुत पोल्यूशन है, 300 के पार है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं जी जी जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है इसके पीछे दो कारण है, एक तो शहर बहुत अनियोजित है, दिल्ली का लुटियंस जोन छोड़ दें और चंडीगढ़ को छोड़ दें तो ज्यादातर शहरों में 70% अनियोजित इलाके हैं, यानी जैसे तैसे डेवलप हो गए हैं, कहीं 20 फीट चौड़ी सड़क है, कहीं 10 फीट चौड़ी सड़क है, कहीं 7-8 फीट ही है। तो जो अनियोजित तरीके से विकसित हुए शहर हैं उन शहरों के बारे में हमारे जो टाउन प्लानर लोग थे 20 साल पहले उन्होंने कुछ सोचा नहीं। सारे विकास प्राधिकरण पहले रेजिडेंशियल बनाते हैं फिर उसको कमर्शियल में कन्वर्ट कर देते हैं, कोई भी इलाका आप ले लीजिए। नहीं, ये तो आपने तमाम समस्याएं बता दी कि इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज ये स्थिति पहुंची है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है डॉक्टर प्रियंका मलिक जी कि अगर जो पूर्व में गलतियां हुई हैं तो क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? क्या कि पहले पॉलिसी ठीक ढंग से नहीं तैयार हुई तो इसलिए अब कोई विकल्प नहीं बचता है? नहीं, देखिए, विकल्प तो है जो है अक्षय जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं तो अगर आपसे विकल्प की बात, सबसे बड़ी जो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारे यहाँ अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि हम जो है सारे के सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करें। पहले जो है शुरुआत हुई जब मेट्रो की स्टार्टिंग हुई तो ये बोला गया कि मेट्रो आ जाएगी तो जो है जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हो पाया? नहीं हो पाया। अगर हम लोगों ने जो है अभी भी आप लोगों अगर देखें तो दिल्ली में जो है या NCR में जो है बसों की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या लोगों की जो ये समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की वो खत्म हुई है? नहीं हुई है। आप देख रहे हैं डे बाय डे जो है लोगों के पास कारों की कार जो है उतनी खरीदारी बढ़ती जा रही है। इसका रीजन क्या है? हम इस जो है अल्टीमेटली अगर हम देखें तो अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितनी हम विकास कर रहे हैं उससे डबल तेजी से हमारे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो जो भी हमारे विकास है वो कम पड़ जाते हैं। तो उस वजह से आपको जो है सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल ये तो बेहद जरूरी है, इसको लेकर मांग भी देश में उठती रही है,
लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल सर अब मांग में, नहीं उठनी ना हम तो हर चीज के डेंजरस लेवल पे आ चुके हैं। कई समस्याओं को और भी बढ़ाती है। लेकिन और ये ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं क्या डॉक्टर डीके शर्मा जी, ये दिल्ली में नहीं देखते हैं कि अगर किन्हीं कारणों से थोड़ी देर के लिए अगर मेट्रो पर व्यवधान हो जाता है, रुक जाती है, तो किस तरह की अफरा तफरी मच जाती है? बिल्कुल जो भीड़ है, ये बात सही प्रियंका जी कह रही हैं कि मान ले पहले बसेस ब्लू लाइन की चलती थी तब भी लगता था कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, बड़ी भीड़ थी। मेट्रो आए विकल्प के फॉर्म, अच्छे विकल्प आए, इसमें कोई दो मत नहीं है, तब भी समस्या हुई रह गई। तो एक्चुअली जनसंख्या का एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन जिस विषय पर हम पर्यावरण आपके पास जिस पर्यावरण की बात हम करने जा रहे हैं उसमें तो कोई हमें निकालना ही पड़ेगा ना। अब एक दूसरे पे छींटा कसी करने से नहीं होने वाला है। जब हर अक्टूबर महीने में इसकी पुनरावृत्ति होती है और साइंटिफिक रीजन उसके सामने हैं, इनके सॉल्यूशंस भी हैं, एटलीस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश तो गवर्नमेंट के लेवल पे हो, प्लस पब्लिक में भी कंसेंसस एक्चुअली पैदा किया जाए कि हम सपोर्ट करें और इस चीज को देखें। जब ये चेंज ऑफ सीजन होता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हम समझते हैं कि इस समय में एक तो गवर्नमेंट इसे पहल करे, पराली के मान ली उसकी बात है कि वहां पे जला देते हैं, उनको रोकने के लिए हम देखा है कि दोनों गवर्नमेंट जो है उसमें जुर्माने की भी मतलब वो कर चुके हैं। उसके बाद भी देखा इस बार के 45% पराली जलाया गया, मनीष जुर्माने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। हो सकता है अभी हरियाणा में इलेक्शन था इसके चलते कमी कर पाए हो, ये पंजाब की सरकार क्या कर रही थी, वही बात है कि एक्चुअली प्रॉपर में हो नहीं पाता है कि उसको सीधे एक्चुअली इंजेक्ट करके काम कर दिया जाए। कहीं ना कहीं हमें भी कंसर्स होना पड़ेगा कि इनको हम कैसे एक अगर उनको ये दिखा दिया जाए कि पराली से कोई हम अधिक फायदेमंद काम करके बना देते हैं, मैंने ग्रीन मैन्योर की बात है, उसको डिजॉल्व करके काज बनाने की बात है, बहुत सारे उसमें बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, तो ये प्रयास कौन करेगा? कौन करेगा कि वो प्रयास सरकार उसको दिखाएंगे करने के लिए। नहा रहेगी दिल्ली की बात हमारी, तो ट्रांसपोर्टेशन तो रुकने नहीं है। आप एक तरफ से यहाँ पर दिए जा रहे हो, गाड़ी खरीदने के लिए परमिट दिए जा रहे हो, उनको लोन भी मिलता चला जा रहा है, सब कुछ है, उसको रोक भी नहीं रहे हो तो ले रही हो, पे भी कर रही है, मैं भर रहा हूँ आदमी, लेकिन इसके साथ जो समस्या है फ्यूल की है, जो फ्यूल हम आज मान लीजिए हम सीएनजी जलाते हैं उसमें कम पॉल्यूशन होता है, तो ऐसे अगर फ्यूल यूज करें जिसमें पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करे, ये तो हो सकता है, इतना तो कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्यूल को देखना, क्वालिटीफुल फ्यूल हो, ये जो डस्ट की बात हम कर रहे हैं, जो एक्चुअली क्या होता है खास करके अक्टूबर में जी, ये जब टेम्परेचर कम होता है और ये जो इसको धुएं की बात के काइंड ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज का स्मोक कहते हैं, तो एक्चुअली पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा सा चादर ऐसा ढक जाता है और उसमें सारी ये जो विषैली गैसेस भर चुकी होती है और उसको हम सांस पर लेते हैं, सांस लिए बिना हम रह नहीं सकते हैं, हमें प्योर ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन पॉल्यूटेड जा रहा है बॉडी में, बट नेचुरल है बॉडी के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है हम फील करेंगे ही, और इसके चलते क्या जो सारे साइड इफेक्ट आएंगे, चाहे इरिटेशन के फॉर्म में है, वो लंग्स के फॉर्म में हो, लीवर में जाए, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रबल होगा जी, ये सारी समस्याएं तो हेल्थ की आएंगी। तो इसमें तो एक्चुअली क्या गवर्नमेंट साइड से भी कंसर्न के लिए पहल हो, इस समय हो, कोई नई समस्या नहीं है, ये बार बार ये समस्या हमारे सामने आ जा रही है। वही सवाल है कि हर बार जब हम इसी मौसम में जब चर्चा करते हैं कि स्थिति विकराल होती है तो पहले से उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? डॉक्टर राजेश प्रजापति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी पूरी कीजिए। साथ ही एक रिपोर्ट भी हाल में आई जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो स्तर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हवा का देखने को मिल रहा है, ये लोगों की जिंदगी के 10 साल कम करने वाला है। आप इस बात का समर्थन करते हैं? जी, ये जो रिपोर्ट आई है इसका जो आकलन है कि लगभग 10 वर्ष तक कम करता है जी, ये सही आकलन है। और इसके जो दुष्परिणाम है, जैसे मैंने बताया ना कि ये जो पार्टिकुलेट मटेरियल है, जो छोटे छोटे कण हैं जिनका साइज 2.5 मिलीमीटर से कम है, ये आपके लंग्स में पहुंचने के बाद ट्रैप्ड हो जाते हैं। सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं से होती है और जो गैसें हैं उनसे भी होती है। तो जो घोषणा की है सरकार ने कि स्वास्थ्य आपातकाल है, तो स्वास्थ्य आपातकाल से बचने के लिए उसने जो साधारण नागरिक है, सामान्य नागरिक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने बड़े स्तर पे जगह जगह चौराहों पे जो N95 मास्क होते हैं, जो 95% तक आपके 2.5 SPM को रोक सकते हैं जी, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया? नहीं किया गया। तो जो मैनेजमेंट है, ये जो हेल्थ इमरजेंसी है, इसका मैनेजमेंट दो प्रकार से होता है जी। पहला जो इमीडिएट रिसस्टेशन है, इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं जी, इमीडिएटली बड़े स्तर पे सरकार को चाहिए बच्चों को, वृद्धों को और घरों में
डोर टू डोर या चौराहों पर लगा दे, जहां से लोग जाके वो फेस जो मास्क है उसको खरीद सके, उसको पहन सके और कम से कम अभी जो स्थिति विकराल बनी हुई है, गैस चैम्बर बनी हुई है, उससे बच सके। और जो लॉन्ग टर्म हम प्लानिंग होती है उसमें जैसे कि सर बोल रहे थे कि किसी तरह से देखिए पराली एक है तो बायोलॉजिकल सब्सटेंस ही, आप चाहें तो उसको जैसे यहाँ पे गोबर खरीदा जा रहा है, गौमूत्र खरीदा जा रहा है, आप पराली खरीद लीजिए, पराली से आप चाहें तो बायोफ्यूल बना सकते हैं। और जो हमारा पेट्रोल और डीजल पे डिपेंडेंसी है जी, इसको कम करना होगा। इसको कम करने के लिए हमें चाहिए होगा कि जैसे आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बहुत पैदा होता है। जी जी, आप चाहें तो जरूरत से ज्यादा जो चीनी डंप हो रही है उतनी ज्यादा जिसकी जरूरत नहीं है, जहाँ पे नेता कहते हैं किसानों के से कि साहब आप गन्ना मत उगाइए, हमें गन्ने की जरूरत नहीं, आप उस गन्ने से बायोफ्यूल बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इसका इस्तेमाल पुणे में एक ट्रायल के तौर पर भी किया गया था और ये कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में विकास ये नहीं होता है सर कि इसका इस्तेमाल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपने जो बात कही है कि इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए एक तो तत्कालीन इंतजाम होने चाहिए और दूसरा एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी तैयार की जानी चाहिए ताकि इस खतरे को पहले से ही कम से कम किया जा सके। लेकिन 1997 में चाइना ने बीजिंग में पॉलिसी स्टार्ट की थी। ठीक सर, लेकिन चाइना और इंडिया की जो जो परिस्थितियां हैं वो अलग है। शेखर कपूर साहब, कई बार ये कह दिया जाता है कि चाइना में भी जिस तरह से प्रदूषण की वजह से हालात खराब थे, उसने इस तरह की पॉलिसी अख्तियार की, जनसंख्या को ब्लेम करते हैं, जनसंख्या तो दोनों की वामपंथी सरकार है, वहां पर डिसीजन जिस तरह से लेती है, क्या हिंदुस्तान जैसे देश में ये आपको लगता है कि मुमकिन है कि इस तरह का फैसला हो, क्योंकि विरोध की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं नहीं, हमारे देश के अंदर देखिए बहुत शिक्षा का बहुत तेजी के साथ में प्रसार हुआ है, समझदार लोगों की बहुत संख्या तेजी के साथ में बढ़ी है, विज्ञान की प्रगति भी हुई है और क्या नाम है खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी हम लोग नए नए नित्य प्रयोग हमारे हमारे देश में किए जा रहे हैं। पराली कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, प्रदूषण हमारे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा मसला तो है लेकिन उसको नियंत्रित करने के तरीके भी हैं हमारे पास में। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे हम लोगों की चर्चाओं में ये बातचीत आ रही है कि साहब जो है ये पराली है इसका उपयोग बेटर तरीके से खाद बनाने के रूप में किया जा सकता है, विभिन्न तरीकों में किया सकता है, तो इसके ऊपर कदम उठाने की जरूरत है। इसी प्रकार से जैसे बात आई कैसा वाहनों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर और विशेषकर हमारे महानगरों के अंदर वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है और वाहनों की संख्या अगर तेजी से बढ़ी है तो वो हम लोगों से तो अपेक्षा की जाती है, आम लोगों से तो अपेक्षा की जाती है कि आप वाहनों का उपयोग कम से कम करें। लेकिन कभी कभी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को, छुट भैया नेताओं से लेके बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा है, आपने देखा होगा पहले जो है राज्य परिवहन निगम की बसों के अंदर आगे की 3 सीटों पर लिखा रहता माननीय सांसद विधायक के लिए जी। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा सांसद पिछले 20 साल में होगा जो बैठा जिसने उन सीटों ऊपर कभी बैठा हो, सिर्फ उसके ऊपर पब्लिक बैठे, आम पब्लिक बैठे। आप छोटे से छोटे नगर का कार्यकर्ता बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीद रहा है और बेतहाशा तरीके से उसके ऊपर पेट्रोल बहा रहा है, अपना उसके ऊपर कंज्यूमिंग कर रहा है उसका, और तो बड़े सांसद और विधायक लेवल की बात छोड़ दीजिए आप, तो ये जो राजनीतिक स्तर पर भी जो इच्छा शक्ति जो लेने की निर्णय की है ये सभी राजनीतिक दलों को है कि वो भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने बात कहां से करनी होगी। बिल्कुल, मिसाल की बात आप कर रहे हैं कि कुछ ऐसी मिसालें होने चाहिए ताकि लोग प्रोत्साहित हो। विजय उपाध्याय जी, ये वाजिब सवाल नहीं है कि आप उम्मीद करें कि आम लोग बसों में ट्रेनों में धक्के खाकर पहुंचे और सिर्फ छूट कुछ माननीयों को दे देनी चाहिए, उनके लिए सारी गलतियां माफ है। देखिए बहस बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो गई और अंत में मेरा हक और उसका हक और उसके अधिकार मेरे अधिकार पे बात आ गई कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मुख्यमंत्री या मंत्री काफिला लेके चलते हैं तो जनता को भी हक है। यही समस्या है, किसान इसीलिए पराली जला रहा है, इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट पॉल्यूशन कर रहा है। उत्तर प्रदेश में टेनरीज बंद की थी योगी सरकार ने, 20 लाख लोगों का रोजगार उससे प्रभावित है। एक तरफ आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, दूसरी तरफ आपको पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी चाहिए, दोनों संभव नहीं है। या तो आप इसके लिए फिर यूरोप के तरीके से अपनी सारी फैक्ट्रियों को चीन भेजनी पड़ेगी, यूरोप में फैक्ट्रियां नहीं है, वो सब चीन से प्रोडक्शन होता है और कंज्यूम करते हैं। अमेरिका भी सब चीन से माल मंगाता है, कंज्यूम करता है, हम लोग भी एक बड़ी मात्रा, उत्तर प्रदेश में भी फैक्ट्रियां बहुत कम है, इसलिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यहाँ बिल्कुल कम है। जो पॉल्यूशन है वो रोड पे धूल की वजह से, गाड़ियों की वजह से, घटिया गाड़ियों की वजह से और पराली की वजह से।
और ये तभी हमारे जेहन में आता है जब हवा की रफ्तार नेचर की वजह से कम हो जाती है। इस समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की विंड स्पीड हमारी है, कभी 2 किलोमीटर भी हो जाती है, आमतौर पर डेड स्पीड कहते हैं इसको। तो ये जो डेड स्पीड है, जिस दिन ये इसमें तेजी से हवा चलेगी, पर्यावरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, वायु काफी कुछ शुद्ध हो जाएगा और हम कहेंगे कि बहुत अच्छा हो गया, अब तो ठीक है। लेकिन अभी दिसंबर तक हमको, दिसंबर के 14 जनवरी के आसपास तक हमको इसको झेलना पड़ता है और हर साल हम झेलते हैं। इसकी मुख्य वजह अनियोजित शहरों का डेवलपमेंट, सड़कों का प्रॉपर न होना, और बहुत से हाईवेज बने हैं उससे बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अननेसेसरी जो जाम लगते थे, आप समझिए अगर 10-20% भी आप कम कर पाते हैं तो बड़ी बात है। और ये किसानों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और उनको जैविक खेती करनी पड़ेगी। जैविक खेती करेंगे तो पराली जलाएंगे नहीं, पराली को। आपने एक बात महत्वपूर्ण ये कही है कि जिस तरह से हवा की इस वक्त गति देखने को मिलती है और जैसे ही हवा में वेग बढ़ेगा वैसे प्रदूषण छट जाएगा। डॉक्टर प्रियंका मलिक जी, यही तो आस लगाई जाती है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो इंद्रदेव की पूजा कर लो, तो इंद्रदेव खुश हो जाएंगे, बारिश हो जाएगी। हम इंतजाम इस बात के लिए करते हैं कि पानी के स्रोतों को मजबूत किया जाए, जल संरक्षण के प्रयास किए जाएं, अंत में हम वही प्रकृति के भरोसे ही रह जाते हैं, ये असल दिक्कत नहीं। मतलब मुझे आखिर में ये नहीं समझ आ रहा कि अगर हम फिर भी हर चीज के लिए प्रकृति के भरोसे हैं तो फिर विकास कहाँ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के टाइम में जो है बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, विकास किया जाए लेकिन वो पोल्यूटेड फ्री किया जाए। विकास की जरूरत है या कम लेकिन से कम हो। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पर जो है पोल्यूशन कम से कम हो, बिल्कुल। तो आज के टाइम में आप बहुत सारे चीजें जैसे इलेक्ट्रिक कार्स की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आना चाहिए गवर्नमेंट को, तो उसके लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाए ताकि वो जो है इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। मैडम ऐसा नहीं है कि उसमें पोल्यूशन नहीं है, चार्ज कहाँ करेंगी? नहीं सर, पावर से चार्ज करेंगी तो कोयला जलेगा ना जी। नहीं कोयला क्यों सर, उसके लिए जो है सोलर प्लांट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके जो है हर चीज का जो है उपाय है, लेकिन आपको एक तरीके से करना पड़ेगा। और दूसरा गवर्नमेंट को बहुत स्पीडली जो है अब स्टेप्स लेने होंगे। डॉक्टर राजेश प्रजापति भी कुछ कहना चाहते हैं, बड़े संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर। सर मैं खाली एक बात कहना चाहता हूँ कि जब पहले प्लेग की महामारी फैलती थी तो सरकार क्या करती थी, गोलियां दवाइयां बांटती थी, हर घर में हर व्यक्ति को दी जाती थी। अब जब आज स्वास्थ्य इमरजेंसी लागू की गई है, क्या सरकार के पास N95, मैं फिर से बोल रहा हूँ, N95 मास्क इतनी मात्रा में है कि जनमानस को, मतलब हम बड़ी पॉपुलेशन को दे सकें? और अगर दे सकते हैं तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए, और अगर नहीं दे सकते अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें 50 लाख मास्क बांट दिए हैं और हम कदम उठा रहे हैं, हम पानी की बौछार भी करवा रहे हैं, फॉगिंग भी करवा रहे हैं, लेकिन नतीजे अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर डीके शर्मा साहब, उम्मीद कुछ कर रहे हैं या फिर इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि मौसम में तब्दीली जब आएगी तो अपने आप स्थिति ठीक हो जाएगी? हर साल तो इंतजार करने बात हो, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहिए, सरकार जो पहल है वो करें। जिस पानी के छिड़काव की बात होती है, डॉक्टर साहब समझ रहे हैं, साइंस के बैकग्राउंड के हैं, ये सारे जो निर्मली ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर डिजॉल्व वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए छिड़काव करने का इंजाम हो ताकि ये घुल के नीचे आ जाएं। दूसरी जो स्पीड की बात कर रहे हैं वो 4-5 की, शायद आज हम दिल्ली सुने 7 से 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अभी हवा है, तो ये सफिशियंट नहीं है कि एक्चुअली इस पार्टलेट को एक्चुअली उड़ा के कहीं बाहर लेके चला जाए, है ना। तो एक्चुअली एयर तो हम नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल रेन की भी बात साइंस में हो चुकी है, तो ये कौन करेगा, तो सरकार को करना पड़ेगा ताकि ये सारी चीज डिजोल्व कर जाए। तीसरी चीज, हमारे साइड जो हेल्थ का प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, डॉक्टर साहब समझ रहे होंगे, हम लोग मान ली कहीं पढ़ते लिखते उसको देखते हैं, खासकर इस समय में हम लोगों को पब्लिक को विटामिन सी लें, चाहे आंवला हो, चाहे मान लीजिए और ऐसी चीजें हैं, लेमन्स हैं या ओमेगा जिस एसिड जिसमें है, और जिसे मान लीजिए बीटा कैरोटीन वगैरह है, ये सब लेने से क्या होता है, हो सकता है कि ऐसे चीजों बॉडी में जो है इम्यून सिस्टम खराब होता है, थोड़ा सा लोगों के लिए आप कह रहे हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद सचेत रहे और सरकारें पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए कदम गंभीरता के साथ उठाएं। शेखर कपूर साहब, बड़े संक्षेप में एक फाइनल रिएक्शन, कुछ उम्मीद आप कर रहे हैं कि पॉल्यूशन पर ये पॉलिटिक्स ही होती रहेगी ज्यादा या फिर इसका सोल्यूशन भी निकलेगा जल्द? नहीं, निश्चित रूप से सॉल्यूशन निकलेगा। आप और हम जैसे लोग जब बैठ के एक स्टूडियो के अंदर चर्चा कर रहे हैं, लाखों लोग उसको सुन रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग उसके ऊपर कहीं ना कहीं से हमारे देश के अंदर जो है इस समय लोगों में जागृति भी आई है, तो निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो विपदाएं आती हैं कुछ मानवीय होती हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं, और ये जो विपदा आई है ये विपदा
मैं मान के चल रहा हूँ ये मानवीय विपदा है, ये बिल्कुल ये प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो अपना शीत ऋतु लेके आ रही है, प्रकृति तो ठंडी हवाएं बहाएगी, लेकिन हम यानी कि कम से कम आप ये कह रहे हैं कि प्रकृति ने ये मैसेज दे दिया है कि अगर छेड़छाड़ आप यूं करोगे तो प्रकृति अगर अपना छेड़छाड़ करेगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकारों की बन जाती है, क्योंकि नीति नियंता वही होते हैं, उनको कम से कम ऐसे दिशा निर्देश तय करने चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो और आम लोगों के साथ कम से कम फूले नहीं इन परिस्थितियों की वजह से। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।